चलो आज बनाते हैं सीताफल रबड़ी बासुंदी। तो ये जो बासुंदी है ना, मैंने सिर्फ 2 ग्लास दूध से बनाया है और बहुत ही गाढ़ा है। मैंने इसमें ना ही कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, ना ही मैंने आर्टिफिशियल कलर और ना ही एसेंस ऐड किया है। तो सबसे पहले रबड़ी बनाने के लिए ना हमें सीताफल का पल्प निकालना है। तो इधर मैंने एक सीताफल लिया है, तो 2 लोगों के लिए ना एक सीताफल काफ़ी है। तो आप इसके सीड्स ना हाथों से भी निकाल सकते हो। तो मेरे पास चॉपर है, तो चॉपर से मैं निकालती हूँ, उससे ना क्या आसानी से सीड्स निकल जाते हैं। तो हम सीताफल के पल्प को स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपके घर पे कभी कभी ना गेस्ट आते हैं और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, हमें बहुत सारे सीताफल बासुंदी बनाना रहता है, तो इस तरह से सीड्स निकाल के हमें रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें ना थोड़ा सा पानी डाल दो, और पानी को हमें इस तरह से सभी जगह पे फैलाना है, ताकि क्या होगा कि दूध में जब भी उबाल आए ना, तो दूध ना खाली कढ़ाई पे चिपके ना। तो इधर मैंने सिर्फ 2 ग्लास जितना दूध लिया है, तो मेरा जो 1 ग्लास है ना वो 200 ml है, यानी कि मैंने टोटल 400 ml जितना दूध लिया है। अभी दूध कितना लेना है और कौन सा दूध लेना है, तो अभी इधर हम ना ही कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं दूध को गाढ़ा करने के लिए, और ना ही हम एसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी मैंने जो दूध लिया है वो फुल फैट क्रीम लिया है, जिसमें मलाई रहता है। तो इधर हमने 2 ग्लास जितना दूध डाला है, तो जब तक दूध 1 ग्लास जितना ना हो, यानी कि दूध गाढ़ा ना हो जाए ना, तब तक हमें उसको मीडियम हाई फ्लेम में चलाना है। जब ही दूध ना गर्म हो जाएगा ना, तो ऊपर से ना इस तरह से मलाई आ जाएगी, तो मलाई को हमें साइड में चिपका देना है। तो उसे क्या होगा कि जब भी दूध गाढ़ा हो जाएगा ना, तभी हम ये मलाई निकालेंगे और हमारी दूध की रबड़ी भी बन जाएगी और दूध गाढ़ा होके बासुंदी भी बन जाएगी। तो अभी सीताफल का सीजन चल रहा है, तो आपको ना मार्केट में किधर भी भर भर के सीताफल तो मिल ही जाएंगे। तो आप मेजरमेंट तो पता चल ही गया होगा कि अगर मैं इधर 2 लोगों के लिए बासुंदी बना रही हूँ, तो मैंने इधर 2 ग्लास जितना दूध लिया है और 1 सीताफल लिया है। अगर आप 4 लोगों के लिए बना रहे हो, तो आपको 4 ग्लास जितना दूध लेना है और 2 सीताफल लेना है। तो अभी आप इस तरह से बनाओगे, फुल मेजरमेंट के साथ बनाओगे ना, तो आपकी बासुंदी परफेक्ट बनेगी। आप देख सकते हो दूध में ना उबाल आ रहा है, और साइड में मैंने जो मलाई चिपकाई थी उसकी मैं रबड़ी बनाऊंगी। तो बहुत सारी मलाई मैंने चिपकाई है, तो हमारी जो रबड़ी है वो भी बहुत सारी बन जाएगी। और आप देख सकते हो मेरा जो दूध है वो पहले से आधा हो चुका है, यानी कि मैंने 2 ग्लास जितना दूध डाला था, तो अभी दूध 1 ग्लास जितना बचा है। तो जब भी दूध गाढ़ा हो जाए ना, तभी हमें ऊपर से शक्कर डालना है। तो इधर मैंने 2 चम्मच जितना शक्कर डाला है, आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप ज़्यादा शक्कर डाल सकते हो। इधर मैंने 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर डाला है। बासुंदी में ना इलायची का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। जब भी दूध गाढ़ा हो जाए ना, तभी हमें उसको गैस बंद करके निकाल लेना है, और हमें उसको एकदम ही ठंडा करने के लिए रख देना है। तो जब भी ये ठंडा होगा ना, तभी ये जो बासुंदी और गाढ़ी हो जाएगी। और अभी ठंडा होने के बाद ना, हमें साइड में से जो मलाई हमने चिपकाई थी ना, वो भी निकालना है। अगर आपको ऐसा लगे कि वो नहीं निकल रहा है, तो इसको दूध से थोड़ा सा गीला कर दो और उसके बाद निकालना। तो जैसे ही बासुंदी ठंडी होगी ना, तभी वो और गाढ़ी हो जाएगी, और आप जैसे ही रबड़ी साइड में से निकालोगे ना, तो वो और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया से रबड़ी निकल रही है। इसके अंदर मैं आपको एक विशेष टिप्पणी देना चाहती हूँ। जब भी बासुंदी ठंडी हो जाए ना, तभी हमें सीताफल का पल्प डाल देना है। आप गरम गरम जब भी बासुंदी हो, उसमें सीताफल का पल्प नहीं डालना, नहीं तो सीताफल का जो टेस्ट है, उसका जो रियल वाला स्वाद है ना, वो नहीं आएगा। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने सीताफल का पल्प डाला ना, तो बासुंदी की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही बढ़ गई है, और बासुंदी ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होने के बाद अगर आपको उसको पतला करना हो ना, तो ऊपर से आप थोड़ा सा दूध डाल दो, तो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगे कि बासुंदी बहुत ही गाढ़ी हो गई है, तो इसलिए मैंने उसको ऊपर से थोड़ा सा दूध डाला है। मेरे को ना इतनी ज़्यादा गाढ़ी बासुंदी पसंद नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया सा बासुंदी बन के तैयार हो चुके हैं। आप इसको मन चाहे गार्निशिंग कर सकते हो। आप इसको फ्रिज के अंदर ठंडा होने के बाद भी खा सकते हो, क्योंकि उसका रियल वाला टेस्ट ना ठंडे में ही आता है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा जब भी आप इसको फ्रिज के अंदर रख के ठंडा होने के बाद खाओगे।
आप देख सकते हो 2 ग्लास दूध में भी मैंने बहुत सारी बासुंदी बनाई है, क्योंकि दूध ठंडा होने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और जब भी आप सीताफल का पल्प डालोगे ना तो और उसकी क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। ऐसे नए नए रेसिपी और आइडिया के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।